मिर्जा जी आप क्या बताना चाहते हैं ये ओल्ड सिटी में, दबीरपुरा में कैसे चल रहा है आपका प्रचार? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ पे जिस हिसाब से अफसर पाशा साहब जो बताए हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, हकीकत बात वही है। सब घरों से निकल के बीजेपी पार्टी को वेलकम कर रहे हैं। जब हम प्रचार के लिए जा रहे हैं तो घरों में से लेडीज़, ख़ास तौर के ऊपर लेडीज़, मुस्लिम लेडीज़ निकल के हमारे को वेलकम करके ये बोल रहे हैं कि आपको इस बार आपको ही हम वोट डालेंगे। उसके कई सारे रीज़न बनते हैं, जिस हिसाब से एक दो विषय हमारे अफसर पाशा साहब जो बताए हैं, स्मार्ट सिटी बोल के जो फ्लड सिटी करे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो अपना अमाउंट जो दिया गया था, जो हकीकत जिसको पहुंचना था, जिसको जो विक्टिम थे उनको तक नहीं पहुंचा, जिसको नहीं पहुंचना था उसको ले लेके वो करे, तो उनका ये जो फेलियर है उसकी वजह से कई सारे नाराज़ है। और 50 साल से यहाँ पे MIM का ही कॉरपोरेटर, MLA, MP उनका ही रहा है, तो उन लोग चेंज चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अब यहाँ के जो मुसलमान हैं खुश होके हमारे को लाना चाह रहे हैं और हमारे को वोट डाल के उन्हों ओल्ड सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटा मुसलमान ही वो करेंगे। अब आप एक दो तीन दिन पहले देखे कि मुशीराबाद के अंदर के अकबरुद्दीन अवैसी को चले जाओ बोल के बोले, तो हमारे को जब हम इनके बीच में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी जा रहे हैं खुशी से वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, वो है हमारे। ओके, आप ये विकास के बारे में क्या बताते हैं? इस ओल्ड सिटी में विकास थोड़ी है, पूरा मततत्व आइडियोलॉजी भी चल रहे ना, ऐसा बताए तो कम्युनल एंगल से बाहर आके विकास के लिए इसका इधर कुछ काम चल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, इसकी ये जो बात है ना, ये बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। मैं शिया कम्युनिटी से बिलोंग रखता हूँ। आज हमारी शिया कौम को कई ज़माने से एक ग्रेवयार्ड का प्रॉब्लम है, कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है, और सिर्फ असेंबली में आवाज़ उठाई गई थी, आज तक कोई उसके ऊपर वर्कआउट नहीं हुआ, तो क्या हिसाब का विकास हुआ बताइए आप? कोई विकास नहीं हुआ। हमारे को कब्रिस्तान नहीं है। आज हमारे लोग दिन में 10 लोग की डेथ हो रही है कोरोना वायरस के अंदर, कई सारे हमारे शिया भाइयों के हो या कोई भी हो, उनके डेथ होने के बाद कब्रिस्तान नहीं है, दफनाने के लिए जगह नहीं है। और हमारे को ये बोला जा रहा है कि आपको 40-50 किलोमीटर, हम रहते यहाँ पे और हमारे लेके आके वहाँ पे 50 किलोमीटर के ऊपर आपको कब्रिस्तान देते, वहाँ पे आप वो करिए, तफ़ीन करिए, तो कैसा चलेगा? तो यही डेवलपमेंट है, इसलिए आपको जिता के लेके आए थे। आप एक MLC दे दिए हमारे को, एक MLC आप हमारे को दे दे के बाद आप बोल दिए कि ये आपकी शिया कम्युनिटी के लिए, आप ये ले लीजिए, इनसे काम कराइए। वो तो सिर्फ आने के बाद पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का जितना भी जो बिल्डिंग बनी है उन्हें सीधे पहुंच जाता, चाहे वो कॉरपोरेटर हो या MLA हो या कुछ भी हो, सब पब्लिक नाराज़ है, इनसे तंग है, इनका विकास कुछ नहीं है। विकास हो रहा है तो सिर्फ उनकी पार्टी के लोगों का हो रहा है, ग्राउंड लेवल तक के किसी का विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे।